अभी हम लोग चैप्टर टू महर्षि वाल्मीकि का अनुवाद करेंगे। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषाया आदि कवि विद्यते। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा के आदि कवि यानी पहले कवि हैं। तस्य रामायणम आदि काव्यम वर्तते। उनका रामायण आदि काव्य यानी पहला काव्य है। अस्य महाकवे वाणी संपूर्ण जगतः मंगलकारिणी आनंददायिनी च अस्ति। इस महाकवि की वाणी संपूर्ण जगत के लिए मंगलकारी और आनंद देने वाली है। अयम वाल्मीकि आंगिरस गोत्रे ब्राह्मण कुले अजायत। यह वाल्मीकि आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। अस्य बाल्य काल्यस्य नाम रत्नाकरः आसीत। इनके बचपन का नाम रत्नाकर था। असौ रत्नाकरः भीलानां संगति कारणात् निर्दयः दस्यु अभवत्। यह रत्नाकर भीलों की संगति के कारण निर्दय डाकू हो गया। अतः अयम दस्यु कर्मणा स्वजीवन निर्वाहम अकरोत्। इस कारण वह डकैती के कार्य से अपना जीवन यापन करने लगा। एकदा सह नारदादी मुनिनः गच्छत दृष्टवास स्वधनं दातुम अकथयत। एक बार वह नारद आदि मुनियों को जाते हुए देखकर उन्हें अपना धन देने के लिए कहा। ते अपृच्छन् यत् किम् एतस्मिन् पापकर्माणि तव परिवारस्य सदस्या संभागिनः भविष्यन्ति। उन्होंने पूछा कि इन पाप कर्मों में तुम्हारे परिवार के सदस्य सहभागी होंगे। अयम् तान् मुनिन् रजुभिः बद्ध्वा स्वगृहम् अनयत् अपृच्छत् च। उसने उन मुनियों को रस्सियों से बांधा, अपने घर लाया और पूछा। ते अवदन् अस्माकं परिपालनं तव कर्तव्यं, वयं तव पापे संभागिनः कथं भविष्यामः। वे बोले, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, हम तुम्हारे पाप कर्मों में कैसे सहभागी होंगे। अनेन अघातेन सह दस्यु कर्म अत्यज्यत तप कर्तुम च निर्णयम् कृतवान्। इस आघात के कारण उसने डकैती का काम छोड़ दिया और तपस्या करने का निर्णय किया। अनेन सह कठिन तपः तप्तुम आरभत। इस तरह वह कठिन तपस्या करना शुरू किया।
परम श्रद्धया च राम नाम अजपत, और बड़ी श्रद्धा से राम नाम का जाप किया। बहु वर्ष पर्यतम सह निराहारम समाधौ अतिष्ठत, बहुत वर्षों तक वह बिना भोजन किए समाधि में रहा। तदा तस्य शरीरम बाल्मीके ना आच्छादितम अभवत, तब उनका शरीर दीमक से ढक गया। पुनः नारद मुनि हैं आह्वानेन सह समाधिम अतज्यत, फिर नारद मुनि के कहने पर उन्होंने समाधि छोड़ी। तत्सह वाल्मीकि नामानाम प्रसिद्धः संजातः, तब वह वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए। अनेन महतस्तपसः प्रभावेन सह महर्षि पदम प्राप्तवान, इस महान तप के प्रभाव से वह महर्षि के पद को प्राप्त किए। एकदा स्नानार्थ सह तमसा तटम अगच्छत, एक बार स्नान करने के लिए वह तमसा नदी के तट पर पहुंचे। किंचित दूरम क्रौंच मिथुनः प्रेमाबद्ध आसीत, कुछ दूरी पर क्रौंच सारस पक्षी को कहा जाता है, तो क्रौंच पक्षियों का जोड़ा प्रेम कर रहा था। सहसा दुरादेव एकः व्याधः नरक्रौञ्चं हतवान, अचानक दूर से ही एक शिकारी ने नरक्रौञ्च को मार डाला। तस्य वियोगेन क्रौञ्ची विल्लापः, उसके वियोग में क्रौंची विलाप करने लगी। अस्या क्रंदनम श्रुत्वा महर्षे मुखाद सहसा एकः श्लोकः निसृत, उसके क्रंदन या रुदन को सुनकर महर्षि के मुख से अचानक एक श्लोक निकला। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वगमः शाश्वतिः समाः, यत् क्रौञ्च मिथुनादेकं वधि काममोहितम्। हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है, जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। तदा महर्षे कल्याणमयम् इयं वाणी श्रुत्वा ब्रह्मा स्वयमेव तत्रोपस्थितः तं च रामचरितं लेखितुं
अकथयत। तब महर्षि की कल्याणमयी इस वाणी को सुनकर ब्रह्मा स्वयं वहां उपस्थित हुए और उनको रामचरित लिखने के लिए कहा। प्रेरणया सह आदि काव्यम अरचयत यत्र रघुवंशीयस्य श्रीरामस्य जन्मनः आरभ्य निवारण पर्यन्तं संपूर्ण कथा वर्तते। उनकी प्रेरणा से वह आदि काव्य को रचे जिसमें रघुवंशीय श्री राम के जन्म से आरंभ होकर उनकी मृत्यु तक की पूरी कहानी है। अस्य रामायणस्य कथनाकं संसारे सर्वतः प्रसिद्धं मधुरं लोकप्रियं हृदयग्राही आनंददायकं सरलं च अस्ति। यह इस रामायण की कहानी संसार में सभी जगह प्रसिद्ध मधुर लोकप्रिय हृदय में ग्रहण करने वाली आनंददायक और सरल है। संपूर्ण रामायणे सरल संस्कृतस्य प्रयोगः अस्ति य सर्वेषां पाठकानां मनांसि हरति। संपूर्ण रामायण में सरल संस्कृत का प्रयोग है जो सभी पाठकों के मन को हर लेता है। अस्य रामायणस्य कथा अस्मात् शिक्षयति यत् श्रीरामः मर्यादा पुरुषोत्तम आसीत्। यह रामायण की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अतः अस्य चरित्रस्य अनुकरणम् अस्माभिः कर्तव्यम्। अतः इनके चरित्र का अनुकरण करना हमारा कर्तव्य है। लोके रामादिवत प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत इति। संसार को राम की तरह बनना चाहिए
ना कि रावण की तरह। तो ये चैप्टर का अनुवाद कंप्लीट हो गया है। इसको कॉपी में सिर्फ इसका हिंदी स्टोरी जो है उसको लिख लेना है।